जो सारे ये बनाते हो उसमें से आपका कौन सा फेवरेट है सबसे? डोसा अच्छा लगता है। डोसा। हेलो गाइस, जयपुर फूड एक्सप्लोर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं वैशाली नगर में हूँ एट प्रिंस रोड, जो प्रिंस रोड के पीछे वाली है। प्रिंस रोड ये है, इधर की साइड में जो है सरोवर पोर्टिको है। तो यहाँ पे एक दीदी है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी जो है डोसा बनाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल भी आए थे हम शाम को, कल शाम को आए थे हम, तो आपका था ही नहीं यहाँ पे, वो बारिश वाली हुई थी ना। हाँ अच्छा, बहुत तेज आई थी। हाँ हमको लगा इधर अंदर की साइड होगा, फिर अंदर तो बोला नहीं हमने, अंदर थोड़ी रहता है अपना। अंदर तो किराए पे रहते हैं। अच्छा नहीं, जैसे अच्छा हम तो लेट आए थे, 9 बजे की बात है शायद। ओके ये मोमोज वाली है अपनी, जो स्पाइसी लग रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अच्छा इसमें। और इसमें कौन सी है? ये इडली का गोल है। अच्छा की चटनी है ये वाली। हाँ। ये एक नंबर है नारियल। हाँ। और इस वाले में ये मसाला डोसे का मसाला है। अच्छा और ये इडली वड़ा है, ये बताओगे थोड़ा? हाँ। बड़े हैं। अच्छा सांभर वड़ा और इसमें इडली, ये इडली है। अच्छा अच्छा उत्पम का। हाँ। ओके अपना गोल है ये, सांबर वाला। ये चीज सही लगती है, ये सांबर जो बड़ा इसमें डूबे हुए रहते हैं ना, डूबे वाला ज्यादा वो ज्यादा बढ़िया रहता है। ये भी देना एक मेरे को। आपको यही खा लेंगे ना? हाँ हाँ सब कुछ। मौसम तो आज भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा सही है, हम आए थे कल शाम को, वही बात है। ये वाली तो प्रिंस रोड ही है ना अपनी। हाँ ये हमने कई जगह डोसा खाया, इतना क्रिस्पी डोसा नहीं मिलता कहीं भी। ये जो क्रिस्पीनेस है ना इसमें, ये नहीं मिलता कई जगह खाया। बिल्कुल सही है। सही है। तो ये मसाला वगैरह ही बेचते होंगे आप, जो घोल है वो ही बेचते होंगे आप। अच्छा अभी तो भानु कंपनी वाला देते होंगे आप। अच्छा हाँ हाँ सही है। हाँ ये भानु वाला। अच्छा एक मोमोज भी लगाइए जब तक। ज़्यादा गर्म हो गई है। उनके साथ ये व्हाइट वाला भी देना चटनी थोड़ा। हाँ।
जो है वाइट चटनी के साथ हम लोग ट्राई करेंगे, बड़ा ही शानदार टेस्ट आता है इसके साथ। तो ये हमको तीन पीस देना है ना, हाँ तीन मेंबर है ना, टेस्ट करना है हमको खाली। और जो मसाला डोसा था वो 60 रुपए का था, और मोमोस 40 के 6 पीस। अच्छा, और उत्पम 50 का। अच्छा, ले ले जस्ट ले। नीचे रख दे। ना ना ना, ट्राई कर ले। सांभर वड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट है क्योंकि सांभर में काफी टाइम, काफी देर हो गई इसको। एकदम बढ़िया, इसकी बाइट लेते हैं। एक नंबर टेस्ट करो और बताओ इसका कैसा है टेस्ट वगैरह, कैसा है? एक नंबर। डोसा भी ले सकता है, अभी मैंने खाया था क्रिस्पी का, बिल्कुल अच्छा। आंटी ऐसा कुछ है आपके पास जिसमें अगर मैं सांभर वड़ा पैक करवा जाऊँ लेकिन फिर अगर डिस्पोजल करता है आपको? हाँ, तो वो एक सांभर वड़ा जब जाएगा ना तब पैक कर देना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आइटम लग रहा है विच इज वेज उत्पम, डलेंगे इसमें सब्जियां। प्याज या डालना इसमें आप? आप ये जो सारे ये बनाते हो इसमें से आपका कौन सा फेवरेट है सबसे? डोसा अच्छा लगता है। डोसा कैमरा चालू है इसलिए बोल नहीं रहा मैं कुछ। अरे मतलब कहीं घुमा वुमा लेकर आते हैं आप कहीं? मैं आपको पूरा मॉडल नंबर सब वही बता देता हूँ। नहीं मैंने नहीं करी आपको। फिल्मोरा ग्राम डाउनलोड कर, फिल्मोरा पहले था हाँ, जैसे सही लगता हो। अच्छा तो ऐसे दे दीजिए, ले लेना ही। मैं अभी डोसा ले रहा था ऐसे हाथ चल गया मेरा। तो ये आ गया हमारा उत्पम भी, वो जो है ट्राई करते हैं। गर्म है काफ़ी अच्छा खासा। लो बता देना फिर जैसे भी होगा ना आपका सीन। तो दीदी सारे जो तीनों चारों हमारे जो आपने लगाए डोसा वगैरह सब टेस्टी थे, बहुत मजा आ गया एकदम खा के। आपका टाइमिंग बताओ, टाइमिंग क्या रहता है? 4:30 या 5 बजे। और शाम को? शाम को कब तक रहता है? साढ़े दस बजे तक। अच्छा चलो बढ़िया है। और लोकेशन वगैरह आपको बताई दी, तो यहाँ पे आइए, दीदी के हाथ का बड़ा बढ़िया डोसा वगैरह एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।